नमस्कार, बधिरों के लिए खबरों के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं रजनी काल। गुरुग्राम के रायन स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिता की अर्जी पर सुनवाई की। केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, सीबीआई और सीबीएसई को नोटिस जारी किया। सभी पक्षों को 3 हफ्ते में नोटिस का जवाब देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मामला सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं है। प्रद्युम्न के पिता ने रायन स्कूल के अंदर बेटे की हुई हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए जिस प्रकार से तुरंत एक्शन लिया है वो बहुत मिलेगा। रायन इंटरनेशनल स्कूल के सीईओ रायन पिंटो ने बॉम्बे हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है। इस बीच गुरुग्राम पुलिस की टीम रायन पिंटो से पूछताछ करने के लिए मुंबई पहुंच गई है। गुरुग्राम पुलिस ने रायन स्कूल मैनेजमेंट के 2 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अधिकारियों में रायन स्कूल के रीजनल हेड और एचआर हेड शामिल हैं। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। रायन स्कूल के बाहर लाठीचार्ज को लेकर सोना के एसएचओ अरुण सिंह सस्पेंड कर दिए गए हैं। रायन स्कूल ने बयान जारी कर कहा है कि जांच में स्कूल पुलिस की मदद के लिए तैयार है, लेकिन प्रद्युम्न के स्कूल की निलंबित प्रिंसिपल नीरजा बत्रा पुलिस पूछताछ के लिए नहीं पहुंची। सुरक्षा की मांग को लेकर नोएडा और दिल्ली के रायन इंटरनेशनल स्कूल में अभिभावकों ने हंगामा किया। हरियाणा के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मोहम्मद अकील गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे और वारदात वाली जगहों का दौरा किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फोन पर प्रद्युम्न की मां ज्योति ठाकुर से बात की। दर्द बांटा। प्रद्युम्न का परिवार बिहार के मधुबनी का रहने वाला है। नीतीश कुमार ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से भी बात की, परिवार की सीबीआई जांच की मांग पर विचार करने को कहा। प्रद्युम्न की मौत के बाद अलग अलग स्कूलों में सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं, हमने इसका जायजा लिया। हमारे रिपोर्टर अलग अलग स्कूलों में गए। जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ मयूर विहार के एल्कॉन और एएसएन स्कूल गई। वो बिना रोक टोक के स्कूल के अंदर चली गई, उन्हें किसी ने रोका तक नहीं। खुफिया कैमरे से हमारी टीम ने इसकी रिकॉर्डिंग भी की। हमारी टीम स्कूल के अंदर क्लासरूम तक पहुंच गई, टॉयलेट तक पहुंच गई। इसके बाद भी स्कूल प्रशासन से कोई ना सामने आया, ना किसी ने रोका, ना किसी ने तवज्जो की कि कोई बाहर का आदमी कैसे घूम रहा है। स्कूल प्रबंधन ने अपनी अब गलती मानी है, सुरक्षा को बेहतर बनाने का आश्वासन दिया है। हैदराबाद में 11 साल की छात्रा को सजा के तौर पर बॉयज टॉयलेट में खड़ा कर दिया गया। यूनिफॉर्म में न आने पर छात्रा को ऐसी सजा दी गई। छात्रा के मुताबिक उसकी ड्रेस तैयार नहीं थी। माता पिता ने डायरी में लिखकर भी दिया था, लेकिन टीचर ने उसकी नहीं सुनी। छात्रा अब डरी हुई है, स्कूल जाने से इनकार कर रही है। 11 साल की छात्रा 4th क्लास में पढ़ती है। धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण के 125 वर्ष होने पर पीएम मोदी ने देशभर के छात्रों को संबोधित किया। पीएम ने कहा पूरे हिंदुस्तान से पूछ रहा हूं क्या हमें वंदे मातरम कहने का हक है। लोग पान खाकर, भारत माँ पर थूके और कचरा फेंके और फिर वंदे मातरम बोले। हम सफाई करें या नहीं, लेकिन गंदगी करने का हक नहीं है। गंगा की सफाई करें, स्नान करें, लेकिन कोई ये सोचता है कि इसमें कचरा ना डालें।
अगर आज विवेकानंद होते तो क्या हमें ये सब करने पर नहीं डांटते? दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने छात्रों को संबोधित किया, कहा कुछ लोग कॉलेजों में रोज डे मनाते हैं, कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। मैं विरोधी नहीं हूं, कॉलेज विचार व्यक्त करने की जगह है। पीएम मोदी ने पूछा, क्या हरियाणा का कॉलेज तय करता है कि आज तमिल डे मनाया जाए, या पंजाब का कॉलेज यह तय करे कि केरल डे मनाया जाए? इससे वहां की संस्कृति को जिया जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में गृहमंत्री राजनाथ सिंह के दौरे का आज तीसरा दिन है। उन्होंने अलग अलग तबकों से बात की, कहा शांति के लिए हर किसी से बात करने को वो तैयार हैं। एलओसी पर राजनाथ सिंह ने नौशेरा का भी दौरा किया। गृहमंत्री की मौजूदगी में नौशेरा के शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। बधिरों के लिए समाचार के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।